जो रोदाली कर रहे हैं ना, ये इनकी कांग्रेस पार्टी का अशोकनगर का प्रवक्ता है जो इसी पटवारी परीक्षा में फेल हो गया है, उसके तथ्यहीन को तर्क बनाकर पेश कर रहे हैं। ये पर्चियों पर नौकरी देने वाले लोग विश्व की आधुनिकतम चयन परीक्षा प्रणाली पर सवाल उठा रहे हैं और सीरीज में झूठ बोल रहे हैं, नौजवानों के मनोबल को तोड़ रहे हैं। मैं झूठ की श्रृंखला थोड़ा आपके सामने लाना चाहता हूं। ये जो 7 टॉपर हैं, इनमें से किसी ने भी एक ही शिफ्ट में परीक्षा नहीं दी है, सबने अलग अलग शिफ्ट में परीक्षा दी है। कमलनाथ जी, अरुण यादव जी, एक एक सवाल और एक एक जवाब का एक एक क्लिक रिकॉर्ड होती है, जो रिकॉर्ड में है। मांगो तो क्यों नहीं मांग रहे पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि आपका झूठ सामने आ जाएगा। लिखित में दो जो भी चाहिए, जबानी जमा खर्च मत करो। कितना शर्मनाक होगा कि इस देश में हिंदी में दस्तखत करने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है, कमलनाथ जी सवाल उठा रहे हैं। ये जवानी जो लुटियंस में निकाली है ना, इटालियन संस्कृति में जो रंग बस गए हैं, अरे हिंदुस्तान में, मध्य प्रदेश में, जिसमें मेडिकल की पढ़ाई हिंदी में होने लगी, जिसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई हिंदी में होने लगी, वहां हिंदी में दस्तखत नहीं होंगे तो क्या इटालियन में दस्तखत होंगे? अगला आप झूठ चौथा सुन लो। आपने जो कहा है कि मार्कशीट इन सब की अगर आप देख लेते तो आपको शायद ये झूठ नहीं बोलना पड़ता। ये जो आपने सवाल किया है कि हिंदी में दस्तखत करने वालों के 25 में से 25 नंबर आए, मार्कशीट तो देख लेते, एक के भी 25 में से 25 नंबर नहीं आया, ये पांचवा झूठ है आपका। कोई गड़बड़ी हो नहीं रही है, यही हम कह रहे हैं कि प्रदेश को बदनाम करने की कांग्रेस कोशिश कर रही है, यही आपके सामने रखे हैं और उनके झूठ हम बता रहे हैं। पांचवा झूठ आपने कहा कि ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, लगातार झूठ बोलने की श्रृंखला है। जो ये देश की सबसे प्रतिष्ठित कंपनी है, जिसने IIT और नीट का एग्जाम कराया है, ये वो कंपनी है सबसे प्रतिष्ठित। आपका झूठ एक और बता दूं मैं, आपने कहा 1000 से ज्यादा लोग पास हो गए एक ही एक सेंटर से, इससे बड़ा झूठ क्या हुआ, कुल 114 लोग पास हुए, और जो इसमें 114 पास हुए 31 सेंटर और हैं जिसमें इससे ज्यादा लोग पास हो गए, इससे ज्यादा लोग पास हो गए, लेकिन उनकी चर्चा नहीं है। पता नहीं ग्वालियर से क्या दुश्मनी है, ग्वालियर में कुल 5% लोग पास हुए, भोपाल में 42% लोग पास हुए, सवाल ग्वालियर पे उठाते हैं। ये ग्वालियर के बारे में जब आप 15 महीने सरकार में रहे तब आपका दुराग्रह देखा लोगों ने, और ग्वालियर का नौजवान जिसके हितों पे कुठाराघात कर रहे हो, वो उनकी योग्यता पे प्रश्न उठा रहे हो जो टॉपर हैं। आपने तो अपने कार्यकाल में कमलनाथ जी एक नौकरी नहीं दी, सिंगल। अरे कांग्रेस के लोगों, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना है तो इस बात पे करो कि तुम्हारे कार्यकाल में कितनी नौकरियां मिली, तो हम मीर मानेंगे तुमको। माननीय शिवराज सिंह जी ने 1,00,000 नौकरी की कहा, और नौकरियां देने का सिलसिला जो प्रारंभ हुआ 1,00,000 तक पहुंचने को हुआ, ये प्रसव वेदना आपको सहन नहीं हो रही कि आप एक नहीं दे पाए और माननीय शिवराज सिंह जी 1,00,000 नौकरियों पे आ गए, ये पीड़ा है आपकी, और ये पीड़ा प्रदेश का नौजवान देख रहा है, और नौजवान आप पर एक एक चीज का हिसाब देके हिसाब करेगा। आप तय मान के चलिएगा माननीय कमलनाथ जी। भैया रोजगार उनने माना था कि ढोर चराओ, कमलनाथ जी ने लिखित में है, इन्हें लिखित में कहा नौजवान से कि ढोर चराओ, बैंड बजाओ, ये कांग्रेस सरकार का था। एक नौकरी नहीं दी इन्हें, बेरोजगारी भत्ता देने की बात की नौजवान को, एक नौजवान को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया, ये कमलनाथ सरकार थी।
और ये शिवराज सिंह जी की सरकार है जो 1 लाख पे पहुंच रही है। सर, कर्ज से परेशान एक परिवार ने राजधानी भोपाल की रातिबा थाना क्षेत्र में